अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे रमज़ान स्पेशल चिकन शीख कबाब। आइए देखते हैं रमज़ान स्पेशल शीख कबाब बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। के लिए हमें चाहिए चिकन, देखिए बोनलेस चिकन है। देखिए हमने 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। इसे हमने चार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और कपड़े से सुखा लिया है। और हमने लिया है आधा कट्टा पुदीने का, 7 से 8 हरी मिर्ची है उसे हमने आधी आधी तोड़ ली है, आधा कट्टा कोथमीर का, 1/2 टीस्पून नमक, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है उसे हमने पीसेस में कट कर लिया है, 4 लहसुन की कलियां हैं। देखिए अब हम मिक्सर जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, कोथमीर ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे, लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े, नमक ऐड करेंगे। अब हम इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। देखिए दरदरा ग्राइंड कर लिए, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए एक बोल में निकाल लिया, अब हम इसे साइड पर रख लेंगे। देखिए वही मिक्सचर जार में अब हम ऐड करेंगे चिकन, ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड कर लिए, अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए मिक्सचर जार में फिर से ऐड करेंगे थोड़ा चिकन, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड कर लिए, अब हम एक बोल में निकाल लेंगे, वही बोल में ऐड कर लेंगे। देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड कर लिया था, कोथमीर पुदीना अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम लीड लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप कर लिए 100 प्याज। देखिए प्याज का पानी निकाल लीजिए, प्याज का पानी अच्छा निचोड़ के डाल लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए अब हम सीख लेंगे। अब हम लेंगे थोड़ा तेल एक बोल में, अब हम सीख कबाब बना लेंगे। सीख कबाब के लिए देखिए हाथ पर तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा मसाला लीजिए, देखिए इस तरीके से बना लीजिए। देखिए इस तरीके से सीख के अंदर पुरा लीजिए और इस तरीके से फैला लीजिए हाथ की मदद से। देखिए अब हम इसे रख देंगे, थोड़ा सा मसाला लेंगे, देखिए थोड़ा तेल लगा लीजिए, मसाला लीजिए थोड़ा, देखिए इस तरीके से सीख में पुरा लीजिए और हाथ की मदद से फैला लीजिए। देखिए इस तरीके से फैला लीजिए।
देखिए प्लेट पे रखते जाए। देखिए शीक कबाब भुनने के लिए इस तरीके से रख लीजिए। देखिए बटर अप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से बटर अप्लाई कर लीजिए। देखिए इस तरीके से घुमाते हुए, शीक घुमाते हुए अप्लाई करिए। अब हम इसे शीक कबाब लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक अच्छे से सेक लीजिए। देखिए कबाब लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लीजिए। रमजान स्पेशल चिकन शीक कबाब डिश आउट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप इफ्तार में बना सकते हैं और सहरी में भी बना सकते, सहरी के लिए भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।